सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये जो जलपरी है इस पर कलर करेंगे और आपको कलर करना भी सिखाएंगे। मैंने इसका आउटलाइन ग्रिड मेथड से ड्रॉ किया। आप चाहो तो इसके लिए आप कमेंट में बोल सकते हो कि ग्रिड मेथड से आउटलाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं। वैसे ग्रिड मेथड से अगर आउटलाइन को ड्रॉ करते हैं तो काफ़ी ईजिली हम जो है आउटलाइन को ड्रॉ कर पाते हैं। आप चाहते हो कि आप भी ईजी तरीके से सीखना चाहते हो आउटलाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है, तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हो इस कमेंट बॉक्स में जो आपको नीचे दिखाई दे रही है। और कमेंट करने के बाद मैं आपके लिए एक इस तरह की वीडियो लेकर आऊँगा जैसे कि आउटलाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है ग्रिड मेथड से। काफ़ी ईजी है, आप चुटकी में सीख जाएंगे आउटलाइन ड्रॉ करना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कलर करना सिखाते हैं। तो गाइस, मैं जो हूँ वाटर कलर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हो वाटर कलर का यूज़ करना, यानी कि पानी कलर यूज़ करना, तो आप ट्राई कीजिएगा कि किसी खाली पेज पे पहले चेक कर लीजिएगा कि हमारे जो कलर है किस तरह का हो रहा है, उसके बाद ही फाइनली अपने ड्राइंग में कलर करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप पानी कलर का पहली बार उपयोग कर रहे हो या करना चाहते हो, तो आपको कलर तो चेक करना ही है किसी खाली पेज पर चलाकर, और उससे पहले हमको कलर भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि पानी के कलर जो है फीका या डार्क उसी हिसाब से बनाया जाता है जिस हिसाब से कि हमारी ड्राइंग में हो रहा है होना चाहिए। तो हमको अगर फीका कलर बनाना हो तो उसमें थोड़ा पानी मिलाया जाता है, और डार्क हो तो उसी से काम चल जाता है। जिस तरह से डार्क हो उसी हिसाब से हमको पानी मिलाना भी होता है। अगर हल्का ही डार्क हो तो हम थोड़ा पानी मिलाएंगे, अगर फीका हो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी मिलाएंगे। और पानी मिलाने के बाद हमको जब कलर करना है तो हमको किसी खाली पेज पर तो चेक करना ही है। उससे पहले एक बात और है, जैसे कि आप कलर करते वक्त ब्रश को फुल तरीके से कलर में डुबा देते हो, उससे नहीं करना है, हल्का ही छुआना आपको सिर्फ कलर को ब्रश से, और उसके बाद हमको चेक करना है, और उसमें ज़्यादा कलर ना भरे इतना ध्यान देना है। और कलर जब ज़्यादा भर जाएगा तो आपका जब पेज है वो गीला हो जाएगा और पेज जो सिकुड़ने लगेगा, तब आपको जब कलर करेंगे उसके बाद अपनी जो पेज है बहुत ख़राब लगने लगेगी और काफ़ी बेकार लगेगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कलर को हल्का ही ब्रश में भरें और उसके बाद खाली पेज पर चलाकर देखें, और उसके बाद हम कलर करें अपने ड्राइंग में। और अगर आपको किसी भी तरीका का कोई परेशानी हो ड्राइंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा अगर मेरे से हो पाए तो। और अगर आप बिना ग्रिड मेथड या बिना किसी ट्रिक के ड्राइंग को ड्रॉ कर लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और यही होना चाहिए कि हम शुरुआत में कैसे भी सीख लें, लेकिन हम जो है हल्के हल्के करके ग्रिड मेथड वगैरह सब कुछ छोड़ दें। हमको सादा बिना देखें किसी चित्र को एक बार देख लें, उसके बाद हमें ऐसे ही बिना ट्रिक के बना लें, तो ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे तब हमें ग्रिड मेथड या कोई भी ट्रिक काम नहीं देता है, तब हमको किसी ड्राइंग को बिना देखे ही बनाना होता है बिना किसी ट्रिक के। तो आपको जब सीखना हो तो आप किसी भी तरीके से सीख लो किसी ट्रिक से, लेकिन जब आप सीख जाओ तब इस ट्रिक की कोई यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये समझ लो और काफ़ी अच्छे तरह से कुछ बनने की कोशिश करो। ये तो एक नकल है, और नकल नहीं कह सकते इसे, हम सीखने की एक ट्रिक बताते हैं। और यही होता है शुरू शुरू में, जब कोई नई ड्राइंग ड्रॉ कर पाता है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसको कुछ इसी तरीके से सिखाया जाता है कि इसके लिए आसानी हो और काफ़ी इजी तरीके से वो सीख जाए। तो यही होता है ग्रिड मेथड से कि कोई भी अगर नहीं सीख पा रहा है तो उसे काफ़ी आसानी से सीख जाता है। अगर आप नहीं जानते हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो बनाना सीखना चाहते हो और सीख नहीं पा रहे हो, तो आप कमेंट ज़रूर बोलना कमेंट में लिख कर कि मुझे ग्रिड मेथड वाली वीडियो चाहिए और मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करना, तब तक मैं कलर कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और गाइस, आपको यहाँ पर भी हल्का ध्यान देना होगा, जैसे कि किसी हम छोटे जगह पर कलर करते हैं उस टाइम हमको काफ़ी धीमे धीमे ही कलर को करना होगा। वैसे हम कलर जब करते हैं कहीं भी कलर करें उस टाइम हम धीमे ही करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा धीमे हमें किसी छोटे चीज़ में कलर करने में करते हैं। क्योंकि जब हम धीमे नहीं करेंगे तब जो हमारा कलर इधर उधर हो गया तो काफ़ी ख़राब लगता है। तो आप कोशिश कीजिएगा काफ़ी धीमे धीमे कलर करने की, क्योंकि आप अगर किसी एग्ज़ाम में हो तो वो अलग बात है, लेकिन आप घर पर अगर किसी ड्राइंग को बना रहे हो, अब
अपने किसी टीचर को चेक कराने के लिए, तो आपके पास काफ़ी समय है और आप अगर आप चाहते हो अपने घर में वो फ़ोटो रखा जाए और किसी को दिखाने में अच्छा लगे, तो आप काफ़ी धीमे धीमे ही ड्राइंग को ड्रॉ कीजिएगा। और आप किसी एग्ज़ाम में हो तो उसमें जो टाइम बताया गया उसी के हिसाब से ड्राइंग को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो छोटे छोटे स्टार को मैंने ड्रॉ किए हैं, काफ़ी धीमे धीमे ही मैंने ड्रॉ किया, लेकिन आप लोगों की वजह से मैंने वीडियो को जो है प्ले फास्ट कर दिया है, क्योंकि आप बोर ना हो इसीलिए। सो आप कोशिश करना काफ़ी धीमे धीमे कलर करने की। तो फाइनली गाइस लगभग हमारे ड्राइंग में कलर हो ही चुका है, आगे मैं कर रहा हूँ जो रह गया उसमें। और गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट तो कर ही सकते हो, क्योंकि अगर आप ड्राइंग को ड्रॉ करते हो तो आपको भी पता होगा एक ड्राइंग को ड्रॉ करने में कितना मेहनत लगता है। मैं तो आपके लिए ड्राइंग को ड्रॉ करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद एडिट करके आप लोगों को उसके माध्यम से सिखाता हूँ, तो आप लोग समझ ही सकते हो मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत करता हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।